हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है थर्सडे आफ्टरनून एंड हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है एंड वी आर रेडी। हम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, तो चलो दिखाती हूँ। एंड आज हम लोग स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद जो है वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं मुझे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, कहाँ बिजी थी वो अभी बताऊंगी मैं। वैसे कल का आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग सिद्ध मनीषा वाले चैनल पे, तो आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा वहाँ बिजी थी, थोड़ी सी चीज़ें और थी, तो कुछ एक चीज़ें चल रही है साइड बाय साइड, वो आप लोग साथ शेयर करूंगी। परी और नीरव उतर रहे हैं सीढ़ियों से, तो उनका शोर आ रहा है, तो चलो चलते हैं और फिर आ करके आप लोगों के साथ बाकी की जो बातें हैं वो करती हूँ। वेरी गुड। टाइम लगेगा क्या? चलो मेरे को दिखाने में कैसे दिख रहा हूँ। अरे कैमरा चेंज करके दिखाओ। कैसे? परी कहाँ जा रहे हो? टाइम अराउंड अभी हो गए हैं 3 o'clock, तब 12 बजे थे, अब 3 बज गए हैं। एंड लंच वगैरह हो गया है, उधर विनोद सो रहा है, पीछे परी और नीरव भी चल रही है मस्ती, तो मैं दिखाती हूँ क्या दिखाऊँ। लंच हो गया, मैं सब उठाऊँगी इनको, और आँखें ना बिल्कुल भारी भारी हो रखी है, मतलब नींद आई है। कल मैं सो गई थी, कल मैं 3:30 बजे सोई हूँ, 5:30 बजे उठी हूँ, बुरे वाले आलस में बुरे वाले, इसलिए सोने का मूड नहीं है। तो थोड़ी सी हालत दिखाती हूँ क्या है, सोच रही हूँ ठीक कर लूँ। 2 वीडियो भी शूट करनी है अमेज़न हॉल की। अरे एक सेकेंड यार, तो 2 वीडियो शूट करनी है अमेज़न हॉल वाली। तो एक तो मैंने फुटवेयर कलेक्शन मंगवाया है, काफ़ी टाइम बाद, शायद जब से जॉब छोड़ी है मैंने, मतलब ऐसे एक दो फुटवेयर लिया है, ऐसे ली नहीं, तो इस बार मैंने पूरा गर्मियों का पूरा कलेक्शन लिया है, तो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, एंड जो दूसरा मेरा चैनल है ना वो होम एंड लाइफ स्टाइल वाला, उस पर पूरा ब्लॉग डालूंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, देखती हूँ आज दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में, नॉट श्योर। एंड हम मंदिर गए थे तो पंडित जी ने टीका लगाया था, अभी हाथ लग के झड़े हैं, और अभी किचन क्लीन करूँगी, फिर कपड़े करने हैं, वीडियो शूट करनी है, तीन चार काम है, और मेरी आँखें बोल रही हैं कि सो जाओ, पेन हो रहा है, तो देखती हूँ थोड़ा सा काम करके 10-15 मिनट की नैप लूँगी एंड उसके बाद देखती हूँ। तो 4 बजे के आसपास सो, 4 से आज योगा क्लास भी नहीं है, योगा क्लास की छुट्टियाँ हो गई है आज से ही, मतलब कल से, कल थी, कल नहीं थी, मतलब मैंने अटेंड नहीं की क्लास तो थी, क्योंकि मैं जैसे बताया मैं 5:30 बजे उठी थी, 5 से 6 होता है, तो मिस हो गया, कल का मिस हो गया, और आज से उन्होंने छुट्टी कर दी है, मंडे को सीधा क्लास हो गया, तो यानी पूरे 1 वीक की गई। एंड मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया, एक्सरसाइज किए हुए भी ये पूरा वीक मेरा चला गया, तो इस हफ्ते तो ऐसे ही बैंड बच गया, बट हाँ मैं वेट है वो लूज कर रही हूँ, तो देखती हूँ 1-2 हफ्ते में जब थोड़ा सा और हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं, फिर मिलते हो, सोने का मन कर रहा है, आप मत सो जाना वीडियो देखते देखते। प्रसाद मंदिर से जो बेर मिले थे इनको रख के साइड में, एंड ये मटर है, ये है 1 किलो मटर जो कि मैंने निकाल के रख दी है, इसको मैं क्या करूँगी इसमें डाल के और फ्रीजर में रख दूँगी, तो ये यूज़ होती रहेगी, तो इसको डाल दूँगी मैं फ्रिज में, बीच में आ गई थी कॉल, एंड क्या कर सकते हैं, वैसे तो इसको एयरटाइट कंटेनर में अगर रखूँ ना तो भी सही रहता है, बट मेरे पास ये वाला है तो मैं इसमें प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी अब जैसे गर्मी आ गई ना तो फ्रूट्स वगैरह भी फ्रिज में हो गए हैं, वेजिटेबल्स भी, तो थोड़ा सा जो स्पेस है वो कम रहता है फ्रिज के अंदर, वैसे तो ज़्यादा लगता रहता है फ्रिज बड़ा है बड़ा है, लेकिन जब गर्मी आती है तो सारी चीज़ों के लिए जो है ना फ्रिज थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो वैसे ये ख़राब नहीं होगा इसकी, इसको करके अभी ज़्यादा दिन तो चलानी नहीं है, बस ये महीना और खाई जाएगी, फिर तो ये होता है ना राइस वगैरह में पोहा में उसी में चाहिए होता है, तो कोई नहीं इसको लगा देती हूँ फ्रिज में, और रात को बनेगी भिंडी, तो भिंडी रख दी है मैंने, इसको ना ढक के रखूँगी, एक्चुअली इस टाइम में ना छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, पता है मक्खी के बच्चे होते हैं, मच्छर होते हैं, क्या होता है जो बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के होते हैं ना वो हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर खुली रहेगी ना तो उसी के ऊपर उनका जो जमना है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और आप भी अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताना, क्योंकि शायद से ना ही साल के 2 महीने होते हैं जो मच्छर आते हैं इस तरह के, तो इन सबको अच्छे से ढक के रखना है मुझे अब, तो पहले इसको फ्रीजर में सेट कर देती हूँ, और ये पालक बॉईल करके रख दी थी मैंने, इसको पीस के रख दूँगी, तो जब भी पालक पनीर बनाना है या पालक की रोटी बनानी है तो एक काम आ जाएगी, और इसके अंदर ना कुछ नहीं डाल रही मैं, जस्ट सिंपल इसको बस इसी को पीस के रख रही हूँ और कुछ नहीं डालूंगी इसमें, अगर मतलब इसमें नमक वगैरह डाल के मैं रखूँगी ना तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती है, पता नहीं कब नंबर आएगा, ऑलरेडी इतनी सब्जियाँ हैं, तो जैसे भी इसको यूज़ करना होगा तो उस हिसाब से यूज़ करूँगी, तो उसको सिंपल बस प्लेन ऐसे ही पीस के रखती हूँ।
Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. मेरी इवनिंग टी एंड यस ये मेरी आज थर्ड टी है, अदरवाइज मेरी दो ही कप चाय होती है, तो ये तीसरा कप चाय है एंड इसके साथ थोड़े से मैंने ये नमकीन ली है, ये जो घर पे जो नमकीन बनती है ना वो वाली नमकीन है, तो बस एक मुट्ठी ली है मैंने क्योंकि आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है और बीच में तो एक दो दिन ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, तो उस टाइम पे ना पता नहीं क्या हुआ था, दो तीन दिन बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अभी पता नहीं क्या है बट आज मैंने बस यही लिया है, तो अदरवाइज इस टाइम पे फिर जैसे पोहा हो गया या फिर चीला है या पनीर सैंडविच है वो सब चीज़ें ले सकते हैं, तो इससे ना रात को ओवर ईट नहीं करेंगे, बट आज ऑलरेडी मैं फुल हूँ एंड शाम को भिंडी बन रही है तो रोटी तो बननी ही है, तो भिंडी एंड रोटी खाऊंगी रात को, इसलिए मैंने शाम का है जो वो कंट्रोल किया है, वैसे भी मतलब एक रोटी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं करती मैं रोटी नहीं खा रही एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरा वेट है वो स्टक हो गया था वो लूज होने लग गया है और उसके रिगार्डिंग भी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, तो चलो ये कर लेती हूँ मैं एंड उसके बाद जो मेरा लास्ट काम होगा वो होगा मेरा बर्तन क्लीन करने का, तो पहले मैं टी इंजॉय कर लेती हूँ, और विनोद गए हुए हैं मनीष के घर गया है अभी, तो परी और नीरव अभी तक सो रहे हैं, 5:15 हो चुके हैं, हाँ तो ब्रेक ले लेके काम हो रहा था, मैं सो गई थी एक्चुअली जब मैंने आप लोगों से बात की ना तो परी को सुलाने के चक्कर में मैं ही लेट गई थी और फिर मैं सो गई थी, चलो कोई नहीं अब फटाफट से मैं एक बार जो ये है अपना फिनिश करती हूँ और उसके बाद बर्तन क्लीन करके तब तक ये उठ जाएंगे, फिर इसको लेके बाहर भी जाना होगा मुझे, तो मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ अपनी चाय, तो नीरव और परी चले गए हैं खेलने के लिए, किचन मेरा क्लीन हो चुका है, बर्तन वॉश हो गए हैं, सब क्लीन है, ये जो कपड़े आप देख रहे हो ये वॉश करने हैं मुझे, तो एक बार पहले मैं जो वॉशिंग मशीन है उसको खाली कर लूँ उसके बाद मैं इनको डालूंगी, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए थे वो अभी हैं एंड ये नीरव ने थोड़ा सा छोड़ दिया है, दूध पी गया पूरा और ये बर्तन क्लीन हो गए, बाकी जो किचन है वो क्लीन है, अभी शाम का काम शुरू हो जाएगा, उससे पहले मैं जो बर्तन है वो लगा दूँ एंड मैं अभी शूट करूँगी वीडियो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सामान रखा है, स्किन केयर हेयर केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अभी, मतलब वीडियो में, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, होम एंड लाइफ स्टाइल वाली जो वीडियो जाएगी ना मेरी चैनल पर जो वीडियो जाएगी उस पर आपको मिल जाएगा, एंड सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेयर के लिए एंड स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है समर में, तो मैं उनका जब उनको यूज़ करूँगी वो भी दिखाऊँगी और फिर वीडियो में बताऊँगी कि आप कैसे इनका जो है यूज़ कर सकते हैं, तो ये भरा हुआ है मेरा, इसको खाली कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो दूसरे कपड़े हैं ना तो डस्टिंग वाले कपड़े वो मैं इसी में धोती हूँ 15 मिनट वाले पे, तो वो लगाऊँगी, तो कपड़े दोपहर से ही रख पड़े हुए हैं जिसमें मैंने बताया मैं सो गई थी तो उसकी वजह से रह गए, फटाफट से अभी तो वैसे गर्मी है ना कोई दिक्कत नहीं है, अभी डालूंगे तो सुबह तक तो क्या 2-3 घंटे में ही सूख जाएंगे, तो गर्मी में बस यही एक बेनिफिट होता है गर्मियों का कि कपड़े हैं वो फटाफट से सूख जाते हैं एंड इनको मैं जो है बालकनी में ही डाल देती हूँ, हाँ तो ये हो गए हैं, चलो इनको सुखा देती हूँ अभी,
ये सूख गए हैं मेरे सारे कपड़े, आ गए हैं बस इतने से ही हैं। तो डेली वॉश करते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट इतने ही कपड़े होते हैं। एंड ये है मेरे प्लांट, मैं जा रही हूँ, वो रहे परी और नीरा उधर खेल रहे हैं, दिख रहा है यहाँ से, तो मैं उधर ही जा रही हूँ।